किया है सीआईडी वालों को, मैंने फोन किया है। तो फिर वो सीआईडी वाले अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आते ही होंगे वो लोग, आते ही होंगे अभी। हाँ सीआईडी वाले आ गए, सीआईडी वाले आ गए। एसीपी साहब, इतना बड़ा बम धमाका हो गया, क्या सीआईडी वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? नहीं। आपके खबरी तो थे, आपको पता क्यों नहीं चला? देखिए ऐसे होता है कभी कभी। इसका मतलब आप लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे थे? हाँ, हम लोग मक्खियाँ मार रहे थे। सर प्लीज, सर एक सर। हाँ सर, अब तक 52 लोगों की लाशें मिल चुकी है, लगता है अभी भी और भी डेड बॉडीज मिलेंगी। सर ये देखिए, बॉम्ब डेटोनेटर का टुकड़ा मिला है, लगता है घर में बॉम्ब बनाया गया, किसी एक आदमी का काम लगता है। सर सर एक रजिस्टर है, यहाँ आज जो मेहमान आए थे उन सबके नाम लिखे हुए। क्या कोई फंक्शन वगैरह था क्या? हाँ सर, किसी मिस्टर मिसेस घटक की शादी की 25वीं सालगिरह थी। तो क्या कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी तो नहीं आया था? शायद उनको उड़ाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया गया हो। नहीं सर, इस लिस्ट में ऐसा कोई नाम तो नहीं है। समझ में नहीं आता, फिर शादी की सालगिरह पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट क्यों करेगा? क्या वजह हो सकती है? My God! Sir, sir, ये लड़का जिंदा है। संभल के, रिलैक्स। संभल के। दया, इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। हेलो हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। पहचाना मुझे? कैसी बात कर रहे हैं सर, भला आपको नहीं पहचानूंगा? नहीं नहीं, आजकल ऐसा हो जाता है। जरा प्रोड्यूसर साहब से बात कराइए, है वहाँ पे? हाँ सर, जस्ट अ मिनट सर। सर अमिताभ बच्चन जी का फोन है, अमित साहब का। सर मैं केडी बोल रहा हूँ। हाँ केडी साहब, पिछले महीने जो फिल्म के बारे में आप मुझसे बोल रहे थे, मैं उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। कहानी लिखी हुई है ना? जी सर, बिल्कुल तैयार है, इसलिए तो आपके पास आए थे सर। तो आज 11 बजे डॉली स्टूडियो में आइए। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। पर सर, बच्चन साहब तो कभी खुद किसी को फोन नहीं करते और ना ही स्टूडियो में किसी से वो स्टोरी सुनते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो सर एक बार बच्चन साहब को फोन करके देखें। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अमिताभ बच्चन को फोन करेंगे और पूछेंगे कि क्या आप अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं? अरे गुस्से में वो हमारी फिल्म ही छोड़ देंगे। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, आज मिलने पास ही में तो है डॉली स्टूडियो। मेरा आदमी बम लेके निकल पड़ा है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कहाँ है और उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे ऑर्डर दे दिया है, वो कल 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे और फिर आधी रात को बम ब्लास्ट करता रहेगा। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, पैसे मिले तो बम ब्लास्ट रोके जा सकते हैं। मुझे पकड़ोगे तो भी वो लोगों को मारता रहेगा, मुझे मारोगे तो भी वो बॉम्ब फोड़ता रहेगा। मुझे आपके मैसेज का इंतजार है। 52 लोग मरे हैं और अब 52 लोगों को मारने के बाद अब कह रहा है कि हर 4-4 घंटे में वो ऐसे ही और ब्लास्ट करेगा। तुम्हें क्या लगता है, वो और ब्लास्ट करेगा? सर एक बम फोड़ चुका है वो, दूसरा भी फोड़ सकता है। सर अभी 10 बजे हैं, दूसरा बम फटने में 2 घंटे बचे हैं सर। इन 2 घंटों में हम उसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं सर। कैसे पकड़ेंगे, कहां से पकड़ेंगे? इन 2 घंटों में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, हमें चुपचाप उसकी बात मान लेनी चाहिए। सर बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के लिए हम एक अपराधी को 5 करोड़ रुपए दे देंगे। सवाल पैसों का नहीं है अभिजीत, 5 करोड़ देने के बाद हमें टाइम मिल जाएगा और फिर हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कैसे ढूंढ निकालेंगे जरा हमें भी तो बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके पास आने वाला ही था। मालूम है आप क्यों आने वाले थे, यह बताने के लिए कि एसीपी प्रद्युमन अब वो प्रद्युमन नहीं रहा, अब वो अपराधी को पैसे देकर पकड़ने लगा है। नहीं सर, मैं लोगों की जान बचाने की बात कर रहा हूं सर। एक आदमी को अगर आप 5 करोड़ रुपए देंगे तो कल तो ऐसे अपराधियों की लाइन लग जाएगी। सर ये लेटर हमारे पास अभी अभी आया है और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर हमने इस वक्त इस आदमी की बात नहीं मानी तो पता नहीं और कितने लोग मरेंगे। सर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके उसने बता ही दिया कि वो क्या कर सकता है। फिर भी 5 करोड़ रुपए देना जरा मुश्किल लगता है सर। जब हम उस आदमी को 5 करोड़ रुपया एक बैग में डालकर देंगे तो हमारे लोग उस बैग में एक छोटा सा ट्रांसमीटर बिठा देंगे। और वैसे 5 करोड़ का बैग कोई छोटा मोटा बैग तो नहीं होगा, काफी भारी होगा, इधर उधर करने में मुश्किल भी होगी। सर हम इस आदमी को पकड़ सकेंगे सर, डेफिनेटली उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, मैं 5 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। अमित जी ने तो कहा था यहां शूटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ तो एक चिड़िया भी नहीं है। सर मैंने आपसे पहले कहा था अमित जी का फोन नहीं है, कोई आपको बना रहा है। बहुत समझदार समझते हो अपने आप को। हाँ, आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया, चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सुनी तुमने ये आवाज अमित जी की है। इससे मेरे कैरेक्टर का ग्राफ पूरी तरह पता नहीं चलता। देखिए रीटा जी, आप पहले अपनी स्क्रिप्ट पूरी कीजिए। अमित जी यहीं कहीं है, कुछ भी बकते रहते हो। तुम यहीं रुको, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। हाँ कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वन लाइन से कहानी का पूरा फ्लो पता नहीं चलता। डिटेल वर्क होना चाहिए, है ना? पहले आप अपनी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। कहानी में सीन इतने होने चाहिए कि 20 दिन में मेरा काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि 20 दिन के बाद डेट्स देना मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। फिर कब मिलूं मैं आपसे? 2 दिन बाद मेरे सेक्रेटरी को फोन कीजिएगा। अमित जी, अमित जी, अमिताभ बच्चन। इन्हें अमिताभ बच्चन से मिलना है। कौन हो तुम लोग, चाहिए तुम लोगों को? सुनाई नहीं दिया तुझे? तू क्या गोली खाने का इंतजार कर रहा है, हैं? भाग जा, भाग। $50 लाख मेरा हिस्सा। ये पैसा भी क्या क्या करवाता है। सीआईडी ब्यूरो में एक लेटर आया है, उसमें एक आदमी ने लिखा है कि अगर हमने उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो 12 बजे ऐसा ही एक और बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और फिर हर 4 घंटे में वो अलग अलग जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट करता रहेगा। हर 4 घंटे में बॉम्ब ब्लास्ट? एक मिनट प्लीज। और जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि हमें उसे 5 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। उसे 5 करोड़ रुपए दे देंगे? जी हाँ, और मैं आपके जरिए उस आदमी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमने उसकी मांग मान ली है। अब वो कोई और बॉम्ब ब्लास्ट ना करे, हम उसे पैसे देने के लिए तैयार हैं। कल जो शहर में बॉम्ब का धमाका हुआ है उसकी जिम्मेदारी एक अपराधी ने ले ली है। और एसीपी प्रद्युमन ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया है। उस अपराधी ने आगे और बॉम्ब ब्लास्ट न करने के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए की मांग की है और एसीपी प्रद्युमन उसे ये पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। वैसे एसीपी प्रद्युमन के बहादुरी के चर्चे बच्चे बच्चे की जुबान पर है, पर अब लगता है कि CID अपराधियों को करोड़ों रुपए बांटने में लगी है। अभिजीत, तुम जल्दी से ये लेटर डॉक्टर अंजलिका के पास लेके जाओ। इस लेटर से उस आदमी के बारे में क्या पता चलता है देखो। डॉक्टर होशियार है, कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ लेगी। दया सर, वो लेटर इस एनवलप में आया था, इस पर जू पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई है। वहां जाकर पता करो कि ये लेटर कौन से पोस्ट बॉक्स में डाला गया था। यस सर। देखता हूं कहां छुप के बैठा है। आइए साहब, यही वो पोस्ट बॉक्स है सर जिसमें से मैंने वो चिट्ठी निकाली। यही बॉक्स है ना साहब? 20 साल से पोस्टमैन हूँ, कौन सी चिट्ठी कहाँ से निकाली कहाँ भेजी सब इस कंप्यूटर में फीड है साहब। आपने ये बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू। इस लेटर बॉक्स में से कितनी चिट्ठियाँ निकाली थी तुमने? करीब 40-50 चिट्ठियाँ थी। 40-50? सर, इसका मतलब है 40-50 लोगों ने इसमें चिट्ठियाँ डाली हैं। मर गए। ये पता करना है कि इन 40-50 लोगों में से वो एक आदमी कौन है। और सर, अगला बॉम्ब 12 बजे फटने वाला है। मालूम है अदिति, और ये भी मालूम है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो इस नारियल वाले से पूछते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ साहब, बोलिए। हम लोग CID से हैं। CID से? हाँ। ये पोस्ट बॉक्स तुम्हारे यहाँ से बराबर दिखता है। इस पोस्ट बॉक्स में जितने लोग चिट्ठी डालने आते हैं वो लोग भी तुम्हें दिखते ही होंगे। हाँ साहब, लेकिन धंधे की वजह से इतने ध्यान से कभी देखा नहीं। कल यहाँ कोई ऐसा आदमी चिट्ठी डालने आया था जिसे देख के ऐसा लगा कि थोड़ा अजीब सा है। कहीं आप उस आदमी की बात तो नहीं करे जो कल यहाँ पे मर गया था? मर गया? यहाँ कौन मर गया? मैडम, कल एक आदमी आया था, उसने मेरे पास नारियल पानी पिया और उसके बाद उधर चिट्ठी डालने चला गया। चिट्ठी डाल के जैसे ही घूमा बस वहीं छाती पकड़ कर बैठ गया। भगवान जाने क्या हुआ, वहीं मर गया। किसी ने उसके मरने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? सर लिखवाई थी, पुलिस आई थी और उसकी लाश को लेके चली गई। सर, पुलिस वाले उसकी लाश को जरूर पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए होंगे। मगर वो लाश हमें मिलनी चाहिए। उस लाश को डॉक्टर अंजलिका के पास ले जाना होगा। केस सॉल्व हो गया। यही आदमी है, इसी आदमी ने धमकी वाला लेटर लिखा है। क्या? आपसे 5 करोड़ रुपए मांगने वाला आदमी मर चुका है। यही है वो आदमी। इसकी उंगलियों के निशान और उस लेटर पर मिले उंगलियों के निशान एक ही हैं। मगर ये तो मर गया, अब तो और भी सत्यानाश हो गया। मेरा आदमी बम लेके निकल पड़ा है। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कहां है और उसे कैसे रोक सकते हैं। मैंने उसे ऑर्डर दे दिए हैं। वो कल 12 बजे, फिर 4 बजे, 8 बजे और फिर आधी रात को बम ब्लास्ट करता रहेगा। अब उस बॉम्ब लगाने वाले आदमी को रोकेगा कौन? सर भगवान करे इस आदमी ने मरने से पहले टीवी देख लिया और आपका मैसेज सुन लिया और अपने आदमी को बम फोड़ने से मना कर दिया। सर 12 बजने ही वाले। अभी पता चल जाएगा कि इस आदमी ने मरने से पहले हमारा मैसेज टीवी पर देखा था या नहीं। सर, एक और बम फट गया है। क्या? हाँ सर, दीपचिराग होटल में एक फंक्शन चल रहा था, वहीं पर बम फटा है। करीब 50 लोगों के मरने की खबर है। माय गॉड, 50 लोग? सर जिसका डर था वही हुआ। अपने उस बम लगाने वाले आदमी को रोकने से पहले ही मर गया ये। और वो आदमी कौन है कहाँ है कैसे पता चलेगा? दया, अभिजीत, जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है वहीं चलकर देखते हैं, कहीं वो आदमी साथ में तो नहीं मर गया। माय गॉड, एक के बाद एक लाशें आती जा रही हैं। क्यों मारा इतने सारे लोगों को इसने? ये आदमी शैतान है, कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। सर ये दूसरा ब्लास्ट है, 4 घंटे के बाद फिर से इतने लोग मरने वाले हैं। नहीं अभिजीत, हम ये तीसरा ब्लास्ट होने नहीं देंगे, हमें ये तीसरा ब्लास्ट रोकना ही होगा। डेटोनेटर का टुकड़ा, बॉम्ब जिससे फूटता है, डेटोनेटर का टुकड़ा मिला मुझे। उसी बम का टुकड़ा है। सर इस बम के टुकड़े भी वैसे ही है जैसे कल उस ब्लास्ट वाले जगह पे मिले थे। सर ये दोनों ब्लास्ट करने वाला एक ही आदमी है। ये जरूर उसी आदमी का काम है जिसके बारे में मरने से पहले 5 करोड़ मांगने वाले अपराधी ने लिखा था। तुम ये सारे टुकड़े इकट्ठा करो और फोरेंसिक लैब में भेज दो। शायद इन टुकड़ों से उस बॉम्ब बनाने वाले के बारे में हमें कुछ पता चलेगा। डॉक्टर अंजलिका, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पे से हमें कुछ बॉम्ब के टुकड़े मिले हैं। जरा इन टुकड़ों को देखकर बताइए कि अपराधी ने किस तरह का बॉम्ब इस्तेमाल किया है। सर मैं इस वक्त जो आपको बताने वाली हूँ वो तो ये बम के टुकड़े भी आपको नहीं बता सकते। ऐसी क्या बात है? बात बहुत अजीब है सर, पता नहीं आप लोगों को सुनकर अच्छा लगे भी या नहीं। जल्दी से बताइए बात क्या है, वैसे तो हर बुरी बात आप जल्दी से ही बताती हैं। सर मेरी मानिए तो ये केस आप एसीपी अजातशत्रु को दे दीजिए। क्या? ये बताने वाली आप कौन होती हैं कि ये केस किसी और को दे दिया जाए? अब आपको हमारे काम करने पे भी शक होने लगा? ऐसी बात नहीं है अभिजीत, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस को एसीपी अजातशत्रु ज्यादा अच्छी तरह से सुलझा सकेंगे। और ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये आदमी जिसने ब्यूरो में लेटर भेजा था इसे एसीपी अजातशत्रु अच्छी तरह से जानते हैं। अजातशत्रु इसे जानते हैं? यस सर, इसकी उंगलियों के निशान से इस आदमी की कुंडली पता चल गई। सर इस आदमी का नाम बंडोरा था और 5 साल पहले एसीपी अजातशत्रु ने इसे अरेस्ट किया था। किस बात के लिए अरेस्ट किया था? ये तो पता नहीं सर, लेकिन एसीपी अजातशत्रु ने इसे अचानक जेल से छुड़वा भी दिया। जेल से छुड़वाया था एक बॉम्ब बनाने वाले को? हाँ सर। अभिजीत सर, एसीपी अजातशत्रु को फौरन ब्यूरो में बुलवाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं अभी इसी वक्त। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.